कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक चोर एक लड़की का बैग चुराकर भाग रहा होता है और उसका पीछा मेन कैरेक्टर और उसका दोस्त कर रहे होते हैं। तभी उन्हें चोर दिख जाता है जो भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर धो देते हैं और कहते हैं कि वो दोनों कहाँ गए। तभी वहाँ पर उसकी दूसरी दोस्त फांजी आ जाती है। मेन कैरेक्टर जिसका नाम फेंग होता है वो पूछता है कि तुम छुपकर क्या कर रही थी और सिंसवान कहाँ पर है। वो कहती है कि मैं छुपकर तुम्हारा एक्शन देख रही थी। और बात करें सिंसवान की तो वो हमेशा की तरह फिर से किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। वहीं पर सिंसवान को दिखाते हैं जो सच में वही कर रहा होता है। वो उस लड़की से बोल रहा होता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मेरे दोस्त जल्दी ही तुम्हारा बैग लेकर आ जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चलोगी। उसे फ्लर्ट करता देखकर उसके दोनों दोस्त आकर उसका धुलाई करना शुरू कर देते हैं और वो उन्हें खुद को छोड़ देने के लिए बोल रहा होता है। तभी फेंग उसे उसका बैग लौटाते हुए पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना बैग लेकर उसे थैंक्स बोलती है और अपना नाम बताती है कि मेरा नाम हान्यू डिंग है और मैं चोंगनान गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ, और उन्हें अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए पूछती है। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम आराम से घर चली जाओ। ये सुनकर सिंसवान कहता है क्या सच में हम लोग उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं, यही मौका है, उसके जैसे अमीर लड़की फिर कहाँ मिलेगी। तभी वो लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं, इसलिए वो कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी फांजी कहती है मैं तो भूल ही गई कि मैं एक गाना लिखी हूँ। ये सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग गए क्योंकि वो बहुत ही बेकार गाती है, और तभी वो गाना गाना शुरू कर देती है जिससे उनका कान फटने लगता है। उससे बचने के लिए सिंसवान ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरा घर में आग लग गया है, और दूसरा दोस्त भी ये बोलकर भाग जाता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझ पर चीट किया है, इसलिए मुझे जाना होगा, और अकेला फेंग बच जाता है। उन्हें भागते देख कर फांजी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया होता है, लेकिन फेंग वहाँ पर फंस गया होता है। उसे देखकर वो बोल रही होती है कि सिर्फ तुम ही मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो, और तभी उसे उसकी मदर कॉल करके बुला लेती है, इसलिए वो कहता है मुझे भी जाना होगा। ये बोलकर वो भी भाग जाता है और बताता है कि मेरे घर में चार लोग रहते हैं, मम्मी पापा मैं और मेरी छोटी बहन। इतना बताकर वो अपने घर पहुँच जाता है और चिल्लाते हुए पूछता है क्या हुआ। उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे पापा को। तभी उसके फादर उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहते हैं फेंग बेटा अब तुम 18 साल के हो गए हो, अपने मम्मी और बहन का ख्याल रखना, मुझे जाना होगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और उसका सैडनेस मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है और वो उन्हें गले लगाकर रोने लगता है और बोलता है कि इतनी जल्दी हार मत मानिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया है, अब किसी भी तरह का कैंसर का इलाज संभव है। ये सुनकर वो फेंग को थप्पड़ मारते हुए खुद से दूर करते हैं और कहते हैं अबे ओए कैंसर किसे हो गया है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फेंग कहता है अगर कैंसर नहीं हुआ है तो फिर क्या हुआ है। उसकी मदर बताती है कि आज से 10 साल पहले तुम्हारे पापा क्रेडिट कार्ड से 10 युआन ओवरड्राफ्ट किए थे और अब उन्हें 1 मिलियन युआन पे करना है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि 1 मिलियन। वो आगे बताते हैं कि इसलिए मैं मिड ईस्ट में काम करने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ का सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा है। फेंग कहता है अगर वहाँ गए तो लौट कर आना बहुत ही मुश्किल होगा, अगर पैसे की बात करें तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। ये सुनकर उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग यही चाहते थे, और वो लोग उससे कहने लगते हैं कि ये हुई ना मेरे बेटे वाले बात। ये देखकर वो समझ जाता है कि अब वो फंस गया है, इसलिए वो कहता है डिटेल को छोड़िए और ये बताइए कि मुझे करना क्या है। वो लोग कहते हैं सिंपल है, तुम्हें नेक्स्ट टर्म के लिए चोंगनान गर्ल्स स्कूल में पढ़ना होगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता और कहता है कि कर्ज चुकाने के लिए मुझे उस स्कूल में जाने की क्या ज़रूरत है। वो लोग कहते हैं कि उस स्कूल का प्रिंसिपल मेरी क्लासमेट थी और वो तुम्हें स्कॉलरशिप दे सकती है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें वहाँ पर पढ़ना होगा, और हाँ अगर तुम उस स्कूल में जाते हो तो हम लोग लान कभी वहीं पर ट्रांसफ़र कर देंगे। फेंग सोचता है अगर लान भी वहाँ पर होगी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा होगा। उसे कुछ सोचते हुए देखकर उसके फादर कहते हैं अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, हम तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। तभी वो कहता है फाइन मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम जाओगे, अब फैमिली का होप तुम ही पर है, वैसे भी प्रिंसिपल तुमसे कल ही मिलना चाहती है और हमने तुम्हारा सामान भी पैक कर दिया है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। वो जाकर देखते हैं कि सच में वो लोग उसका सामान पैक कर दिए होते हैं, और वो वहीं पर बैठकर सोचने लगता है कि 5 महीने पहले जब मैं उसी रास्ते से जा रहा था तब एक लड़का वहाँ से भागने की बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं भाग पाया था, और 4 महीने पहले भी जब मैं वहाँ से जा रहा था तब भी एक लड़का भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं भाग पाया था, और 3 महीने पहले जब मैं वहाँ से जा रहा था तब भी एक लड़का भागने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया था। वो सब देखकर फेंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और सोच रहा होता है कि मुझे तो वहाँ पर 2 साल बिताना होगा। तभी उसे याद आता है कि वो तो लान को बताना भूल ही गया, इसलिए वो जाकर डोर नॉक करता है। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि अब हम दोनों CNG स्कूल में पढ़ने वाले हैं। वो कहती है कि तुम मुझे वहाँ पर अपना बहन ना ही बुलाना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि मेरा उन मर्डरर्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये देखकर वो सोचता है कि शायद उस चीज़ को लेकर वो अभी भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज है। इसके बाद दिखाते हैं कि फेंग एक सपना देख रहा होता है कि वो उन चुड़ैलों के हाथों से बच नहीं पा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो घबरा कर उठ जाता है और सोचने लगता है वो कितना ज़्यादा अजीब सपना था। तभी उसकी मदर कहती है कि नए स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने का टाइम हो गया है। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी वो अपना लगेज लेकर स्कूल चला जाता है और उसे देखकर बोल रहा होता है
तो ये स्कूल है। फैंग को देखकर सभी गार्ड्स बोल रहे होते कि इसे पता नहीं है कि ये किस नरक में आ गया है। ये सब सुन सुनकर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा होता है, लेकिन वो उनके मुंह के सामने कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुँच जाता है और अंदर जाते हुए कहता है कि हेलो प्रिंसिपल, मैं फैंग कीन हूँ। तभी वो कहती है कि बहुत ही दिनों बाद मिल रहे हैं फैंग। इतना हॉट प्रिंसिपल देखकर उसका गाल टमाटर जैसा लाल होने लगता है और तभी वो फैंग के करीब आती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है और कुछ देर तक वैसे ही रखने के बाद हटाती है और कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गए हो। ये देखकर वो चौंक गया होता है और साथ में बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस भी हो गया होता है और पूछ रहा होता है कि प्रिंसिपल आपको मुझसे क्या चाहिए। वो कहती है तुम भूल गए, पहले जब भी तुम मुझसे मिला करते थे हमेशा यही करते थे और जब तुम बोलना शुरू किए थे तब तुम मुझे अपना मॉम बुलाते थे। वो चिल्लाने लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तभी वो कहती है मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। वो कहता है ये किस तरह का टेस्ट है। वो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, चलो अब काम की बातें करते हैं। ये बोलकर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर यही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाए हूँ और उसमें से दो रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रूल होता है कि वो किसी भी लड़की पर वायलेंस यूज नहीं कर सकता है और दूसरा होता है कि वो किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप भी नहीं बना सकता है। सॉन्ग आगे कहती है दूसरा रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लड़कों को फ्लर्ट करने के लिए रिक्रूट नहीं करते हैं। फैंग कहता है चलो ये तो ठीक है, लेकिन मैं एक लड़का हूँ और वो लोग मुझ पर हमला करेंगे और मैं सिर्फ डरपोक के जैसे भागते रहूंगा। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम अपना बचाव कर सकते हो। फैंग पूछता है लेकिन अचानक ये स्कूल लड़कों का रिक्रूट करना क्यों शुरू कर दिया। वो कहती है कि लड़कियां पूरे दिन लड़कियों के साथ ही टाइम बिताती है इसलिए उनके बीच में वायस पैदा हो गया है। ज्यादातर लड़कियां यही सोचती है कि सभी लड़के जर्क होते हैं और साथ ही में वो लोग सेम एज के लड़कों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। और हमने पिछले साल कई लड़कों को रिक्रूट भी किया था लेकिन उन सभी लोगों का मोटिव सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने का था, इसलिए सभी लड़कियां लड़कों पर भड़की हुई है। इसलिए इस बार हम लोग कुछ अच्छे लड़कों को रिक्रूट कर रहे हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मैं तुम पर बहुत ही विश्वास कर रही हूँ, प्लीज लड़कियों का भरोसा फिर से जीत लेना। फैंग कहता है तो ठीक है, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। सॉन्ग खुश होकर कहते तो ठीक है, तुम अपना लगेज लेकर बॉयज डॉर्मेट्री में जा सकते हो। फैंग अपना लगेज लेकर चला जाता है और वो देखता है कि उसका रूम काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस होता है और वो उसका साफ सफाई करके थक गया होता है, इसलिए वो थोड़ा सा बाहर घूमने जाने के लिए सोचने लगता है। वो वहाँ का खूबसूरती देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया होता है और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिफिशियल लेक भी होता है। और तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की का स्कूल का यूनिफॉर्म होता है और वो देखकर वो सोच ही रहा होता है कि तभी एक लड़की उस लेक से निकल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं और वो लड़की चिल्लाने लगती है कि यहाँ पर एक लड़का क्या कर रहा है। फैंग उससे कहने की कोशिश करता है मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मेरी आंखों को देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती है और उसे मारने के लिए पीछा करने लगती है। फैंग उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सबसे पहले अपना ड्रेस पहनना चाहिए, लेकिन वो बोल रही होती कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तभी फैंग उसे बेवकूफ बनाकर वहां से भाग जाता है और वो वहीं पर बैठकर बोल रही होती है कि मैं उसे अपने ही हाथों से मारूंगी। वहीं पर फैंग उससे दूर आकर बोल रहा होता है कि चलो अच्छा हुआ कि अब वो मेरा पीछा नहीं कर रही है, वैसे भी मैं तो बस टहल रहा था, मुझे थोड़ी पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तभी वो स्कूल से निकलकर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। वहीं पर वो लोग फैंग को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि देखो ये रहा हमारा वॉरियर, हमने सोचा नहीं था कि तुम जिंदा वापस आ जाओगे, चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। और उसके साथ उसका फोटो खींचते हुए कहता है कि अगर उन लोगों ने तुम्हारा शक्ल का 12 बजा दिया तो मैं इसी फोटो से तुम्हें पहचान पाऊंगा। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो कहता है अब ये नाटक करना बंद करो और मेरा हेल्प करो। सिंसवान कहता है तुम्हारे लिए दो न्यूज है। फैंग कहता है जल्दी से गुड न्यूज बताओ। सिंसवान कहता है अगर गुड न्यूज की बात करें तो तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्योंकि वहां पर ब्यूटीज का ढेर लगा हुआ है। फैंग बैड न्यूज के बारे में पूछता है। वो कहता है अगर बैड न्यूज की बात करें तो वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा क्रूएल है, उन सभी लोगों ने पिछली बार 300 लड़कों का काम तमाम कर दिया था और उन सभी लड़कियों में 4 लड़कियां ही सबसे ज्यादा हॉरिबल है। इतना सुनकर फैंग सोचने लगता है तो इसका मतलब मुझे उन चारों से बचकर रहना होगा। सिंसवान कहता है अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, उनका स्टूडेंट यूनियन लड़कों को बहुत तड़पाती है। तभी फैंग चिल्लाने लगता है कि उन लोगों के पास पढ़ाई लिखाई नहीं होता है क्या, और सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बैठे बैठे मौत का इंतजार तो करूंगा नहीं। और यहीं एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग सो रहा होता है, तभी उसे उसकी प्रिंसिपल कॉल करके चिल्ला रही होती है कि जल्दी से उठ भी जाओ और जल्दी से जाकर रजिस्टर करा लो, स्कूल के फर्स्ट डे में ही लेट मत हो जाना। वो उठता है और 10 मिनट के बाद खुद को बहुत ही बुरा बैड बॉय बना लेता है और जाने लगता है। तभी वो वहाँ पर बहुत सारे लग्जरी कार्स को देखकर बोल रहा होता है कि कोई उड़कर क्यों नहीं आता है, और तभी वहाँ पर एक लड़की हेलीकॉप्टर से उड़कर आ जाती है। ये देखकर वो सोच रहा होता है अब बस इसी की कमी थी। तभी उसे एक लड़की दिखती है और वो लड़की स्टूडेंट यूनियन से होती है और वो वही लड़की होती है जिसे वो कल गलती से देख लिया था। उसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और छुपकर सोचने लगता है अगर वो मुझे देख लेती है तो पक्का वो मुझे जान से मार देगी, इसलिए वो उससे बचने के लिए दीवार पर से चढ़कर जाता है और जल्दी से खुद को रजिस्टर करवा लेता है। इसके बाद वो उसे क्लासरूम में लेकर जाने लगती है। उसे देखकर लड़कियां बातें करना शुरू कर देती है कि यही वो नया लड़का है ना,
कितना ज़्यादा अजीब है। वहीं पर जैसे ही वो क्लास में जाता है पूरा क्लास साइलेंट हो जाता है, इसलिए वो खुद को इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है और वो गुस्सा वाला फेशियल एक्सप्रेशन करके बोलता है कि मेरा नाम फेंग किन है और मेरा हॉबी है लोगों का टुकड़े टुकड़े करना। लेकिन लड़कियों की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता है, इसलिए वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन और ज़्यादा बिगाड़ कर कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग मेरे 1 से 2 मीटर की दूरी पर खड़े हो। पिछली बार एक बंदा ने ऐसे ही किया था लेकिन अब वो नहीं बच पाया है। लेकिन तभी सभी लड़कियाँ कहने लगती है, ओ वाह ये लड़का कितना ज़्यादा कूल है। ये देखकर फैंग शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है इन्हें तो डराने का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। तभी वो किसी सीट पर बैठने जाने लगता है और पूरा क्लास साइलेंट होता है। तभी एक लड़की कहती है कि तुम्हें हानियों के बगल वाली सीट पर जाकर बैठना चाहिए। वो वहीं पर जाकर बैठ जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। तभी वो सोचने लगता है कि सबसे पहले मुझे वो 4 मेजर एविल लड़कियों को ढूंढना होगा। वहीं पर उन चारों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। रेड हेयर का नाम मोया झाओ होता है, पिंक हेयर का नाम वेवे तोंग होता है, ब्लू हेयर का नाम तोंगफे लू होता है जो कि क्लास की मॉनिटर भी होती है, और पर्पल हेयर का नाम साउसू नेंगोंग होता है। उन्हें देखकर फैंग सोच रहा होता है कि ये चारों है तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन मुझे उन सभी लोगों से बचकर रहना होगा। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर जाता है जिसका हेल्प वो लोग किए थे। उसे देखकर वो कहता है, तुम जानी पहचानी लग रही हो, क्या हम लोग पहले कहीं पर मिल चुके हैं क्या? उसे देखकर वो थोड़ी सी डर जाती है और कहने लगती है, तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। वहीं पर स्टूडेंट यूनियन ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमने सुना है कि एक नया लड़का का ट्रांसफर हुआ है। स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट सू कहती है कि हाँ मेरी मॉम ने ही उसे इनरोल किया है। ब्लैक हेयर सोच रही होती है कि खुद प्रिंसिपल ने ही उसे इनरोल किया है, आखिर किस तरीके का लड़का वो है। तभी वो अपने प्रेसिडेंट को उसका फाइल दिखाते हैं। फाइल में उसका फोटो देखकर ब्लैक हेयर उसे पहचान लेती है कि ये तो कल वाला ही लड़का है, और गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर उसकी दोस्त पूछती है, क्या तुम इसे जानती हो? वो सीधा मना कर देती है और कहती है, मैं जब से जन्म ली हूँ तब से मैं किसी लड़की को नहीं जानती हूँ। सू कहती है, अब जब यहाँ पर एक लड़का आ ही गया है तो हम सिर्फ उसे पीट ही सकते हैं। तभी एक लड़की कहती है, वैसे भी उसे खुद प्रिंसिपल ने ही एनरोल किया है, तो ऐसा नहीं लगता कि हमें उससे फाइट नहीं करनी चाहिए। सू कहती है, तुम्हारी बातों में दम तो बहुत है, इसलिए हम लोग पहले कुछ भी नहीं करेंगे, पहले उसे ही गलती करने का मौका देते हैं, और वैसे भी वो क्लास 1 सीनियर 2 में है, वहाँ की 4 मेजर एविल गर्ल्स उसे संभाल लेंगी। ये सुनकर सभी लोग अपने प्रेसिडेंट की तारीफ करने लगते हैं कि आप कितना ज़्यादा स्मार्ट हैं। तभी एक लड़की उससे कहती है कि सभी लोगों को पता है कि आपको अल्कोहल से एलर्जी है, इसलिए आपको चश्मा पहनकर और ग्लास में ग्रेप्स का जूस लेकर नाटक नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है कि मुझे बस ये पसंद है। वहीं पर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर फेंग को न्यू टेक्स्ट बुक लाने के लिए कहती है और उसके साथ एक और लड़की को जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नाटक कर देती है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, और वो इनडायरेक्टली हानियों को उसके साथ जाने के लिए कहती है। फेंग उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम कुछ दिन पहले ही मिले थे, मैंने तुम्हारा बैग उस चोर से बचाया था। वो कहती है, उसके लिए थैंक्स, लेकिन प्लीज अभी मुझसे बातें मत करो। वो कहता है ठीक है, और सोचने लगता है कि मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक नया लड़का हूँ, और अगर मैं इससे ज्यादा चिपकने की कोशिश करूंगा तो मुझे नहीं पता कि बाकी के लड़कियां कैसे बिहेव करेंगे। और जब वो लोग अकेले में आ जाते हैं तब हानियो अपने चारों तरफ देखने के बाद उससे माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं अभी एक ऑकवर्ड पोजीशन में हूं, चलो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वहीं पर क्लास में दिखाते हैं जहाँ पर वो चारों प्लान बना रहे होते हैं कि लगता है कि फेंग पूरी तैयारी के साथ आया है। मॉनिटर कहती है शायद वो सिचुएशन को एडवांस में ही जानता है, इसलिए साउसु क्यों ना तुम हमारे लिए फ्यूचर देखकर बताओ कि क्या होगा। वो फ्यूचर देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है और ये बोलते हुए वहां से चली जाती है कि उसे भड़काओ मत, उसे एक पीसफुल स्कूल लाइफ बिताने दो। ये सुनकर उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो लोग कहते हैं कि मैंने कभी भी उसे ऐसा बिहेव करते हुए नहीं देखा है। वे भी कहती है इसका मतलब क्या हम लोग सच में उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? मोया कहती है बिल्कुल भी नहीं, अगर हमने उसे नहीं निकाला तो इसका मतलब हमने पिछले साल जो कुछ भी किया था वो सब बेकार हो जाएगा। तभी मॉनिटर कहती है तो ठीक है हम लोग अपना ओरिजिनल प्लान को ही फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना, देखते हैं कि वो लड़का कितना ज्यादा स्पेशल है। और तभी प्लान को फॉलो करते हुए मोया बुक लाने के लिए उसे थैंक्स बोलते हुए कुछ पीने के लिए दे देती है। फेम को पता होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उसे रख लेता है और कहता है कि मैं इसे बाद में पी लूंगा। तभी येलो हेयर बीमार होने का एक्टिंग करके अपना काम हानियों को करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है, इसलिए फेंग भी उसका हेल्प करने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो मुझे टेबल के अंदर बता देना। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और नहाने के लिए अपना ड्रेस खोलने लगता है, लेकिन तभी फिर से स्टूडेंट यूनियन का वही लड़की लकड़ी का सोट लेकर आ जाती है और चिल्ला रही होती है कि मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगी। लेकिन तभी वो उसे वैसा हालत में देखकर शर्मा जाती है और वो चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी फेंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि चिल्लाना मत नहीं तो बाकी के लोग सुन लेंगे। लेकिन वो उसे खुद को छोड़ देने के लिए बोलने लगती है और साथ में छटपटाने भी लगती है, और तभी वो उसके बॉल पर बहुत ही जोरों से मार देती है जिससे उसका बॉल्स ब्रेक हो जाता है और उसे असहनीय दर्द होने लगता है। और वहीं पर वो उसे बहुत बुरा भला बोल रही होती है।
तभी फैंग कांपते हुए कहता है कि इतना जोर से कौन मारता है। वो उसे सुना ही रही होती है कि तभी वो उससे कहता है कि अरे इडियट, ये कमरा मेरा है। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है, इसलिए वो कहने लगती है लेकिन सबसे पहले तुमने मुझे ऐसी हालत में देखा था। फैंग भी चिल्लाते हुए कहता है वो एक पब्लिक प्लेस है, मैं बस वहाँ पर टहल रहा था और तुम्हें पब्लिक प्लेस में स्विम नहीं करना चाहिए था, ये सब तुम्हारी ही गलती है। ये सुनकर वो पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाती है, इसलिए वो कहती है मैं तुम्हारे साथ ड्यूल करूंगी क्योंकि तुमने मुझे दो बार ह्यूमिलेट किया है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। फैंग कहता है कि तुमने मुझे एक बार देखा और मैंने तुम्हें एक बार वैसे देखा, तो अब हिसाब बराबर हो गया। तभी वो उस पर चिल्लाने लगती है कि सबसे पहले अपने कपड़े पहनो, और कहती है कि 12 बजे रात को ट्रेनिंग रूम में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और अगर तुम नहीं आते हो तो उसके बाद जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। ये सब देखकर फैंग सोच रहा होता है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। इसके बाद ना चाहते हुए भी उसे वहां पर जाना ही पड़ता है, और जाकर उससे कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो क्या होता। वो कहती है अगर तुम नहीं आते तो तुम कल टोक्यो बे में डूब जाते। फैंग कहता है जल्दी से इसे खत्म करो, वैसे भी मुझे जल्दी जाकर सोना भी है। वो कहती है ज्यादा चिंता मत करो, कल से तुम 1 से 2 महीने तक आराम से बेड पर पड़े रहोगे। ये सुनकर फैंग उसका मजाक उड़ा देता है कि वो मैं तो डर ही गया। ये सुनकर वो भड़क जाती है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फैंग उसे बहुत ही आसानी से पकड़कर हरा देता है और कहता है कि मैं ये ड्यूल जीत गया, इसलिए अब मुझे दोबारा परेशान मत करना। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो कहती है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। तभी वो कहता है अगर तुमने फिर से कुछ ट्राई किया तो मैं सीरियस हो जाऊँगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वहीं पर बैठे बैठे रोने लगती है। फैंग अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ वो बोल रही होती है कि अगली बार मैं उसे जरूर हराऊंगी। इसके बाद कल फैंग स्कूल जाता है और वो ब्रेकफास्ट खाना भूल गया होता है, इसलिए वो भूख से पगलाने लगता है, और जब दोपहर में लंच होता है तब वो कैंटीन में जाता है और वहाँ का खाना देख कर उसका भूख और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो अपना लंच लेकर एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर बैठता है अचानक से पूरा सन्नाटा हो जाता है और सभी लोग फैंग को ही देखने लगते हैं, और फैंग को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्यों आखिर सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की अपने 2 मेट के साथ आती है, उसे देखकर फैंग कुछ देर के लिए उसका दीवाना हो जाता है, लेकिन तभी वो कहती है क्या तुम्हारा हो गया। फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या बोल रही है। तभी वो आगे कहती है अगर तुम्हारा हो गया हो तो निकलो यहाँ से, मुझे लंच के वक्त डिस्टर्ब मत करो। फैंग कहता है अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ। तभी वो कहती है यहाँ की सभी सीटें मेरी है, तुम यहाँ पर कहीं भी नहीं बैठ सकते हो। ये सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो कहता है मैं तो यहीं पर बैठूंगा, और वो उसके मुंह पर बोल देता है क्या तुम मुझे लात मार कर भगा दोगी। ये सुनकर सभी लड़कियाँ थोड़ी सी डर जाती है और उसी के बारे में बातें करना शुरू कर देती है कि अब ये बंदा नहीं बचेगा। वो लड़की उसे इंटरेस्टिंग बॉय बोलती है, तो वहीं पर वो उसे इग्नोर करके जल्दी से खाकर वहां से निकलने के बारे में सोच रहा होता है, और जल्दी से खाकर वहां से जाते हुए सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि उस लड़की के कारण मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं। तभी हानियू कैंटीन के बाहर उसका पीछा करती है और जल्दी से उसका हाथ में एक पर्ची थमाकर वहां से भाग जाती है। फैंग देखता है कि वो उसे अपना नंबर दी होती है और वो जल्दी से अपना रूम में जाकर उसे कॉल करता है। हानियू उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत पड़ गए हो, जिस लड़की को तुमने ऑफेंड कर दिया है वो सुसे ये है जो कि एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है, उससे जितना जल्दी हो सके तुम उससे माफी मांग लो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। फैंग ये बोलकर कॉल कट कर देता है कि मैंने उसे पहले ही ऑफेंड कर दिया है, और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा होता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, आखिर वो कर ही क्या लेगी। तभी एक बंदा उसके रूम में बेहोश करने वाला धुआं फैला देता है जिससे फैंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग की आंखें खुल रही होती है और वो बोल रहा होता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं सो नहीं रहा था, आखिर मुझे कौन बुला रहा है। और जब वो पूरी तरीके से होश में आ जाता है तो उसके सामने एक बंदा होता है, उसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और खुद को अपने ही पेट पर बंधा हुआ पाता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। वो बंदा कहता है कि शांत हो जाओ, हमें रिपोर्ट मिला है कि तुमने हमारी मी लेडी ये को हैरास करने की कोशिश किया था, और आगे कहता है कि तुमने वो पुराना कहावत तो सुना ही होगा कि इरोटिकनेस से भी डिजास्टर का जड़ होता है, इसलिए आज मैं तुम्हारा उस जड़ को ही काटने आया हूँ। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, लेकिन तभी वो अपना काम शुरू करने लगता है। लेकिन तभी उसी वक्त कोई डोर को नॉक करता है, ये सुनकर वो जैसे ही डोर के पास जाता है स्टूडेंट यूनियन की वही लड़की आकर उसे किक मारकर बेहोश कर देती है। वो उसे वैसे देखकर पूछ रही होती है कि आखिर तुम बंधे हुए क्यों हो। उसे देखकर फैंग सोच रहा होता है अब बस इसी की कमी थी क्या, लेकिन तभी वो फैंग को छुड़ाने लगती है। ये देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और जब वो उसे छुड़ा देती है तब वो उसे थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि पिछली बार मैं थोड़ी सी केयरलेस हो गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करूंगी, इसलिए अब तुम मेरे साथ ट्रेनिंग रूम में चलो। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसके साथ जाना ही पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही वो गिरकर वो नाटक करना शुरू कर देता है कि शायद उस धुएं का असर अभी भी मुझ पर है, क्या तुम इस हालात में भी मुझसे लड़ना चाहती हो।
ये फाइट का डिसरिस्पेक्ट करना होगा। और आगे वो अपना नाटक को कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, शायद तुम्हारे सोर्ड से ही मरना मेरा किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन तभी वो कहती है, नहीं तुम आराम करोगे, और वहाँ से जाते हुए कहती है, अगर तुम्हारा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो क्लिनिक चले जाना। और बाहर आकर बोलती है, पता नहीं वो ठीक होगा भी या नहीं होगा, वैसे वो बंदा कौन था जो उसे परेशान कर रहा था। वहीं पर रूम में फैंग बोल रहा होता है, मैं तो जीनियस हूँ, वैसे अगर सच बोलूँ तो वो सच में क्यूट है। तभी उसे प्रिंसिपल कॉल करती है और वो उसे अपने बातों में फंसा रही होती है, और तभी वो आकर डोर नॉक करती है। वो जैसे ही जाकर डोर खोलता है उसकी प्रिंसिपल ही होती है। उसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आई हूँ। लेकिन फैंग स्मार्ट होता है और वो कहता है, अब बता भी दीजिए कि कौन सा काम मुझसे करवाना है। वो कहती है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फैंग बिना सुने ही उसे करने से मना करने लगता है। लेकिन फिर भी सॉन्ग उसे बताने लगती है कि हमारा स्कूल एक आउटिंग होल्ड कर रहा है, सभी क्लास ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर जाना है, लेकिन इस बार बजट को कम रखने के लिए हम सभी लोग एक ही जगह पर जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ टोंगफू लू ही, यानी कि तुम्हारी क्लास के मॉनिटर ही, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। इसलिए तुम्हें बस करना ये है कि उसे किसी भी तरीके से मनाना होगा। यही टाइम है अपना चार्म का यूज करके उसे मना लो। लेकिन वो पोलाइटली मना करते हुए कहता है कि मैं एक अपराइट मैन हूँ, अपना बॉडी को बिट्रे में नहीं करूँगा। तभी सॉन्ग आगे कहती है, हम लोग बीच पर जा रहे हैं और जरूर सभी लड़कियां स्विम सूट से पहनेंगे। ये सुनते ही वो सभी लड़कियों को स्विम सूट में इमेजिन करना शुरू कर देता है, और सिर्फ वही सोचकर ही उसका नोज में बाढ़ आ जाती है। तभी सॉन्ग आगे कहती है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं मना पाए तो हमें दूसरा जगह पर जाना पड़ेगा, और अगर वहाँ का बजट थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो शायद तुम्हारा स्कॉलरशिप भी कैंसिल हो सकता है। ये सुनकर वो तैयार हो जाता है और कहता है, तो मैं तैयार हूँ, अब ये मत सोचना कि मैं उन्हें स्विम सूट में देखने के लिए कर रहा हूँ। तभी सॉन्ग वहाँ से जाते हुए कहती है, तो ये डील हुआ, तुम उसे वीकेंड से पहले राजी कर लो, तब तक मैं अपने बिजनेस ट्रिप पर से आती हूँ। फैंग सोच रहा होता है कि मॉनिटर सोचती है कि अगर लड़ाई झगड़ा से काम चल गया तो कभी बात नहीं करना चाहिए, इसलिए शायद मुझे उससे लड़कर ही उसे राजी करवाना पड़ेगा। वहीं पर लड़कियों को दिखाते हैं जहाँ पर मोया कह रही होती है, क्या तुमने सुना कि फैंग ये के रिवेंज से बच गया है। वे भी कहती है कि हाँ, उसने ये का भेजा हुआ स्टाफ का भी काम तमाम कर दिया। मॉनिटर कहती है, उसने मोया का दिया हुआ ड्रिंक भी नहीं पिया था, वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट लग रहा है। वे भी कहती है कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट लग रहा है, अगर हमने पहले इनिशिएट नहीं लिया तो शायद वो फंसेगा ही नहीं, इसलिए पहले हमें ही अटैक करना पड़ेगा। इसके अगले दिन वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर फैंग आकर मॉनिटर से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वो कहती है, कैसी बातें? वो कहता है, क्या तुम आउटिंग के लिए मेन ग्रुप के साथ आओगी? मॉनिटर कहती है, अपने काम से काम रखो। तभी उसकी दोनों दोस्त उसके पास आकर उसे घूरने लगते हैं, इसलिए वो उनसे कहती है, अब तुम लोगों को क्या हुआ? लेकिन तभी वो पता नहीं क्यों लेकिन मान जाती है। लेकिन फैंग इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है और वो कहता है कि जैसा कि तुम नहीं मान रही हो इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। लेकिन तभी वो समझ जाता है कि वो हाँ बोली है, इसलिए वो चौंक कर कहता है, क्या तुम सच में राजी हो गई हो? एक बार फिर से बोलो तो। वो कहती है कि हाँ, मैं तैयार हो गई हूँ और अब निकलो यहाँ से। लेकिन तभी फैंग को उस पर डाउट होने लगा होता है और वो सोचने लगता है, आखिर वो मान क्यों गई? जरूर बोलो, कुछ तो प्लॉट कर रहे हैं। लेकिन छोड़ो प्लॉट को, पॉइंट तो यहाँ पर स्विम सूट से। वहीं पर क्लास में मोया पूछती है, अब ये बताओ कि उसने तुम्हें बीच पर चलने के लिए क्यों पूछा? वो कहती है, ऑफकोर्स उसके दिमाग में कुछ तो चल ही रहा होगा, इसलिए वो बीच पर जाना चाहता है। मोया कहती है, अगर वो सच में वैसा कुछ सोच रहा है तो ये हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। वहीं पर फैंग सॉन्ग को कॉल करके बोल रहा होता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद मॉनिटर को मना लिया है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम था, इसलिए आपको मुझे कुछ बोनस देना होगा। वो कहती है, ओके ठीक है, जब मैं वापस आऊँगी तो तुम्हें बोनस जरूर दूंगी। वहीं पर फैंग ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि आखिर उसे क्या बोनस मिलेगा। तभी वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो उसके अंदर चला जाता है और वो देखता है कि शो से ये अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है। उसे देखकर फैंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि पिछली बार उस छोटे से मैटर के लिए इसने मेरा लगभग कटवा ही दिया था। लेकिन तभी वो कुछ सोचता है और अपना मोबाइल निकाल कर उसका बहुत सारा फोटोज ले लेता है और डरते हुए उससे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं इन फोटोज़ को वायरल करूँ तो चुपचाप मेरी बातें सुनो। और मन में खुश होते हुए बोल रहा होता है, अब मेरे पास इसके फोटोज है, अब ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। लेकिन वहीं पर ये ऐसे खड़ी होती है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता है और तभी वो एक ग्रेनेड निकालकर उसे एक्टिवेट करके उसके तरफ फेंक देती है। ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन 5 सेकंड बाद जब वो नहीं फटता है तो वो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वो कहती है कि ये एक माइक्रो एंटी डाटा ग्रेनेड है, ये 2 मीटर के रेडियस में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद होता है उस सभी का डाटा उड़ा देता है। अब अपना फोन चेक करो, तुम्हारा सभी फोटोज डिलीट हो चुका होगा। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी वो आगे कहती है कि तुमने जबरदस्ती लॉकर रूम में आकर मेरे फोटोज लेकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। और वो कैमरा की तरफ इशारा
करते हुए कहती है, वो सभी रिकॉर्ड हो गया है और अगर मैंने उसे पुलिस को दे दिया तो तुम जरूर जेल में पहुंच जाओगे। तो चलो अब बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। ये देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है, ऐसी हालात में मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसके सामने भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी वो कहती है, क्यों ना तुम मेरे फुट लीक करो। और ना चाहते हुए भी फैंग उसका फुट लीक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसका बटलर आकर कहता है, मी लेडी, क्लास का टाइम हो गया है। उसे देखकर फैंग खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी समझने लगता है। लेकिन तभी ये कहती है, मैं अभी तुम्हें छोड़ रही हूँ, अभी मैं अपना ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगा तो तुम मना मत ही करना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फैंग तुरंत वहाँ से भाग जाता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, अगर वो बटलर नहीं आता तो मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचता। वहीं पर ये अपने बटलर से कहती है कि तुम उसे ठीक करने के लिए पहले नहीं आए और इंतजार किए जब तक मैंने उसे नहीं संभाला, और यहाँ तक कि तुमने उसे भागने में उसका हेल्प भी किया। मैं सही बोल रही हूँ ना? वो कहता है, आप क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर फैंग सोच रहा होता है कि पता नहीं अब वो मुझे कैसे यूज करेगी, वो तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकली। तभी उसे एक मैसेज आता है, मैसेज का आवाज सुनकर भी वो डर जाता है। मॉनिटर उसे मैसेज की होती है कि 7 दिन और 6 रात के लिए आउटिंग कल से स्टार्ट हो रहा है और कल सुबह तुम 4:45 बजे गेट के सामने असेंबल हो जाना। ये पढ़कर वो सोच रहा होता है कि इतना सुबह सुबह कौन जाता है, हम मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए थोड़ी जा रहे हैं। वहीं पर गर्ल्स डोम में मॉनिटर कहती है कि प्लान के हिसाब से मैंने उसे 15 मिनट पहले बुला लिया है, अब आगे का काम तुम संभालोगी। वे भी कहती है, ज़्यादा चिंता मत करो, उस प्योर वर्जिन बंदे को मैं संभाल लूंगी। मॉनिटर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो प्योर वर्जिन है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इसका बिल्कुल ही अपोजिट हो। वे भी कहती है, तुम हमेशा सभी लड़कों को वैसे ही क्यों सोचती हो, सभी लड़के जानवर नहीं होते हैं, वो लड़कियों की इतना ज़्यादा करीब इसलिए है क्योंकि उसे इसकी आदत हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो इन सब में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बल्कि उसके पास एक बहन है इसलिए वो अच्छा है, इसलिए मैं कल उसे सिड्यूस करके अपना जाल में फंसा लूंगी। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर फैंग डरते हुए सोच रहा होता है कि पता नहीं कि ये मुझे अब कैसे टॉर्चर करेगी। यही सब सोचते सोचते वो गेट के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं होता है। ये देखकर वो सोचता है, मैं तो बिल्कुल टाइम पर आ गया हूं, लेकिन फिर भी यहां पर कोई क्यों नहीं है। तभी वो वेयर हाउस में जाकर देखता है जहां पर वो देखता है कि वेवे वहां पर गिरी होती है, इसलिए वो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और जब वो उसके करीब जाता है तो वो उसे वैसे देखकर थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए अपना हाथ उसे देते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, मेरा पैर में चोट लग गया है। फैंग शर्माते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठाकर क्लिनिक लेकर चलता हूँ। वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है और वेवे उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो अपना ब्रेस्ट उसके अगेंस्ट प्रेस करके उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है, जिससे फैंग बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। और तभी वो थोड़ी सी सिडक्टिव आवाज़ में उसके कान में एक्सेल करते हुए उसे थैंक्स बोलती है, जिससे उसके बॉडी में एक करंट सा लगता है और तभी वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम वेयर हाउस में कैसे गिर गई थी? वो कहती है, मैं वहाँ पर पिकनिक के लिए कुछ कपड़े लेने गई थी, लेकिन मेरा पैर बास्केटबॉल पर पड़ गया था और मैं गिर गई। तभी फैंग उसे क्लिनिक के बेड पर बैठा देता है और कहता है, अब मैं यहां से जा रहा हूं, हेल्थ केयर का टीचर आकर तुम्हें ट्रीट कर देगा। लेकिन तभी वो कहती है कि वो टीचर बीच के लिए निकल चुका होगा, इसलिए वो आज नहीं आ पाएगा। ये सुनकर फैंग का नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पूछता है, तो अब मैं क्या करूँ? वो अपने प्लान को कंटिन्यू करते हुए सिडक्टिव आवाज़ में कहती है, क्या तुम इसे मेरे लिए करोगे? और यहीं पर एपिसोड की शुरुआत में फैंग उससे कहता है, ठीक है, मैं करता हूँ। वो कहती है, तुम कितना ज़्यादा जेंटल हो। वहीं पर फैंग अंदर से बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, लेकिन बाहर में वो दिखाता नहीं है और वो जल्दी से मेडिसिन लगाकर वहाँ से निकल जाता है। और वहीं पर वो बेड पर लेटी होती है और जब फैंग पूरी तरीके से वहाँ से चला जाता है तब वो उनसे कहती है, अब तुम लोग बाहर आ सकती हो। तभी वहाँ पर मॉनिटर आकर कहती है, उसने तो सच में कुछ भी नहीं किया, अगर किया होता तो हम लोग राइट ऑन स्पॉट पर उसे स्कूल से निकलवा सकते थे। वेवे कहती है, वो तो डील करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, मुझे तो एक कदम ही बढ़ाना नहीं पड़ा था। मॉनिटर पूछती है, अब आगे का तुम्हारा एम क्या है? वो कहती है, अगर मैं उसे उसी वक्त अप्रोच करती तो उसे शक हो जाता, इसलिए मुझे एक अच्छा सा रीज़न चाहिए। मोया कहती है, पिछली बार मैंने उसे बिना किसी रीज़न के लिए पानी दिया था, इसलिए वो थोड़ा सा प्रिकॉशन था, लेकिन इस बार उसने वेवे का हेल्प किया है, इसलिए अगर तुम उसे अप्रोच करती भी हो तो उसे इस पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। उन लोगों को उन्हें इस प्लान पर पूरा भरोसा होता है। वहीं बाहर में जहाँ पर सभी लोग गैदर होते हैं, फैंग अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वो दिख जाती है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। इसके बाद वो लोग बस से एयरपोर्ट पर जा रहे होते हैं और वो तीनों ये प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वो लोग हानियों को फैंग से दूर रखेंगे ताकि वे भी फैंग के साथ बैठ सके। और प्लान के हिसाब से वो फैंग के साथ बैठ जाती है। तभी वो उससे पूछता है, तुम्हारा पैर कैसा है? वो कहती है, अब ठीक है। और फिर से उसके कान में एक्सेल करते हुए कहती है, जब तुमने वो किया था तब मुझे वो बहुत ही अच्छा फील हुआ था। ये सुनकर वो फिर से शर्मा जाता है और वो हंस रही होती है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बस से अपने होटल पहुँच जाते हैं।
जहाँ पर मॉनिटर बोल रही होती है कि सिर्फ यही होटल में 16 डबल रूम बच रहा है, इसे बुक करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं। और वो लोग एक रूम में दो लोग स्टे कर रहे होते हैं और सभी लोग को रूम देने के बाद फैंग अकेला बचता है जिसका रूम मॉनिटर के साथ होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, इसलिए वो दूसरा रूम मांगने लगता है। लेकिन होटल के स्टाफ कहते हैं कि हमारे पास और दूसरा रूम्स नहीं बचे हैं और ना ही कोई स्पेयर रूम भी बच रहा है। वहीं पर मॉनिटर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है और फैंग भी उसे शांत होने के लिए बोल रहा होता है। तभी वो कहती है, कोई बात नहीं, चलो रूम शेयर करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प को अप्रिशिएट करूंगी। वहीं पर फैंग उसका वैसा एक्सप्रेशन देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और सोच रहा होता है अब मैं नहीं बचूंगा। वहीं पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है उसके साथ क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि वो कल का सूरज देख पाएगा। वहीं पर फैंग के बहन लान को दिखाते हैं जो किसी का फोटो देख रही होती है। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, वो उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम सानिया में हो, मैं भी यहीं पर हूँ, क्या हम शाम को मिल सकते हैं, मैं तुम्हें याव से रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। वहीं पर उनका रूम पूरा ऑकवर्डनेस से भरा होता है। तभी फैंग हिचकिचाते हुए उससे कहता है, क्या मुझे रात को बाहर में सोना चाहिए। तभी वो उसके तरफ मुड़कर नाटक करते हुए कहती है कि एक मॉनिटर होने के कारण मैं अपने क्लासमेट को बाहर कैसे सोने दे सकती हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है, इसलिए वो बीच पर जाने का फैसला करता है और जाते हुए बोल रहा होता है, सनशाइन बीच बिकनी ब्यूटीज में आ रहा हूँ। लेकिन तभी उसके पूरी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि पूरा का पूरा बीच खाली होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सभी लड़कियाँ स्कूबा डाइविंग का सूट पहनकर आ जाती है। उन्हें देखकर फैंग खून की आंसू रोने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि ये सब क्या है। वो कहती है, तुम्हें नहीं पता, इसे डाइविंग सूट कहते हैं। फैंग चिल्लाते हुए कहता है, स्विम सूट्स और बिकनी कहाँ पर है। मॉनिटर कहती है, हम इतनी आसानी से तुम्हारा गोल अचीव नहीं होने दे सकते हैं। वहीं पर फैंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी वो देखता है कि मॉनिटर को छोड़कर सभी लड़कियाँ चले गए हैं, इसलिए वो उससे पूछता है, तुम क्यों नहीं जा रही हो। वो कहती है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को सुपरवाइज कर रही हूँ। तभी उसे उसकी बहन दिखती है जो कहीं पर जा रही होती है। उसे देखकर वो उसका पीछा करने लगता है और तभी वो देखता है कि वो युवान चैंग नाम के बंदे से मिल रही होती है। उस बंदे को देखकर फैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर युवान लान से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। तभी वो कहती है, बकवास बंद करो और मुझे याव के बारे में बताओ। वो बताना शुरू करता है कि याव मुझे पसंद करती थी, लेकिन उसे पता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए वो तुम दोनों का फ्रेंडशिप को बचाने के लिए उसने इसे सीक्रेट रखा। कुछ समय बाद फैंग को इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने याव को धमकाया उसे सीक्रेटली डेट करने के लिए, लेकिन वो मना कर दी थी। इसलिए फैंग का प्यार नफरत में बदल गया और उनके बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था और फैंग ने उसे छत पर से धक्का देकर मार दिया। इतना सुनकर लान उससे पूछती है, तुम्हें ये सब इतने डिटेल में कैसे पता है, कहीं तुम ही तो। वो अपने बात को पूरा करती ही कि तभी वहां पर फैंग आकर युवान को पीटने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार लान से दूर रहने के लिए बोला है। युवान कुछ बोलने की कोशिश करता ही है, लेकिन तभी वो उसका गला पकड़कर कहता है, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती है क्या। इतना बोलकर वो उसे पटक देता है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। लान उससे पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो। फैंग उससे कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि युवान एक अच्छा बंदा नहीं है, उससे दूर रहा करो। वो कहती है, मुझे पता है, लेकिन वो मुझे कुछ बताने आया था। ये सुनकर वो चौंकते हुए पूछता है, आखिर उसने तुमसे क्या कहा। वो कहती है, अब तुम मुझे बताओ कि उस रात को आखिर हुआ क्या था। वो बताता है कि उस रात को मेरे और याव के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था और मैंने गलती से उसे धक्का दे दिया था जिससे वो छत पर से गिर गई थी। तभी लान उसे मर्डरर बोलकर वहां से चली जाती है, जिससे फैंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और तभी वो सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि सीक्रेट रिवील नहीं हुआ होगा और युवान वो नहीं बोला होगा जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। और वो वहां से ये बोलते हुए जाने लगता है कि अब जब कोई स्विम सूट ही देखने को नहीं मिल रहा है तो मुझे वापस होटल चला जाना चाहिए। वहीं पर बीच पर जब उन्हें पता चलता है कि फैंग वापस होटल चला गया है, तब मॉनिटर सभी लड़कियों को स्विम सूट पहनने का परमिशन दे देती है और वो लोग चेंज करके मजे करने लगते हैं। वहीं पर वो तीनों फिर से प्लान बनाना शुरू करते हैं। मोया कहती है कि चलो आज उसका खेल खत्म कर ही देते हैं। मॉनिटर पूछती है, तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या। वे उसे एक मेडिसिन दिखाते हुए कहती है, हम इसे उसके खाने में मिलाकर खिला देंगे। और आगे का प्लान वो उसके कान में बताती है कि ये लोगों को सेक्सुअली एक्साइटेड कर देता है, हम ये उसे मिलाकर खिला देंगे और चूंकि तुम दोनों एक ही रूम में हो तो वो इसे खाने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वही हमारा चांस होगा। इस प्लान पर उन सभी लोगों को पूरा भरोसा होता है। प्लान को अंजाम देने के लिए वो तीनों उसके खाने में मिलाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग बातें करने लगते हैं कि वो तो हमारे हाथों से दिया हुआ कुछ भी खाएगा नहीं, इसलिए हमें किसी और के हाथों से उसे देना होगा। लेकिन फिर भी उसे शक हो गया। तो ये सब सुनकर मॉनिटर बोर हो जाती है, इसलिए वो वहां से जाते हुए कहती है, जो करना है वो करो, बस मुझे बता देना कि मुझे क्या करना है। और प्लान के हिसाब से वो लोग किचन में जाते हैं और मोजा सेफ का ध्यान भटकाती है और मॉनिटर उसके खाने में वो ड्रग मिला देती है और उसे बता देती है कि उसने कौन सा खाना में ड्रग्स मिलाई है। इसके बाद डिनर टाइम का सीन दिखाया
दिखाया जाता है, जहाँ पर वेवे पूछती है आखिर तुम आफ्टरनून को कहाँ चले गए थे। वो कहता है कि मुझे सूरज की गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं वापस होटल चला गया था। तभी वो उसका ध्यान भटकाना शुरू करती है कि उसके बाद हम लोग स्विम सूट में चेंज कर लिए थे। सच बोलूँ तो मैं सच में चाहती थी कि तुम मुझे स्विम सूट में देखो। वो कहता है कि मेरा दिन ही ख़राब था और मन में चिल्ला रहा होता है कि उस युवान के कारण मैंने इतना अच्छा सीन मिस कर दिया। और वहीं पर उसके पीछे मोया उसका खाना रिप्लेस कर देती है और फैंग उसे खा भी लेता है। ये देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और तभी वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए बोल रहा होता है कि आज का सूप थोड़ा सा ज़्यादा ही खा रहा था। तभी वो देखता है कि मॉनिटर पहले ही सो चुकी है, इसलिए वो भी अपने बेड पर सोने चला जाता है। वहीं पर मॉनिटर सो नहीं रही होती है, बल्कि वो छुपकर उसे देख रही होती है। वहीं पर रूम के बाहर वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं। मोया पूछती है कि उसका असर कब शुरू होगा। वो कहती है लगभग 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। और उसका प्लान होता है कि जैसे ही फैंग उस पर अटैक करेगा, मॉनिटर रजिस्टर करने का नाटक करेगी और तभी उन दोनों का आने का इंतजार करेगी और वो दोनों आकर उसका फोटो और वीडियोज एविडेंस के तौर पर ले लेंगे और वहीं पर फैंग का पत्ता कट जाएगा और वो लोग होटल का कैमरा को भी ठिकाने लगा दिए होते हैं। उन तीनों को अपने उस प्लान पर पूरा भरोसा होता है। वहीं पर फैंग सोते हुए अच्छे सपने के बारे में सोच रहा होता है और मॉनिटर सोच रही होती है कि अब लगता है टाइम आ गया है। लेकिन आधा घंटा बीत जाता है और वो कुछ भी नहीं करता है, जिससे उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। ऐसे ही करते करते एक घंटा बीत जाता है और वो अभी भी सो ही रहा होता है। वहीं पर बाहर में इंतजार करते करते उन्हें भी नींद आने लगता है और वो लोग हैरान होते हैं कि आखिर वो काम क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और मॉनिटर इंतजार में सोई ही नहीं होती है और उसे वेवे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया होता है और वो सो भी नहीं पाती है। तभी फैंग उठता है और वो देखता है कि मॉनिटर अभी तक सो ही रही होती है और वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने लगता है। और तभी वो देखता है कि उनके रूम के बाहर वो दोनों सो रही होती है। वो उन दोनों को उनके कमरे में ले जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग बाहर में क्यों सो रहे थे और वो उन दोनों को उनके कमरे में सुला देता है और जाकर ब्रेकफास्ट करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा खा लेता है। वहीं पर उनके रूम को दिखाते हैं जहाँ पर मॉनिटर आती है और उन तीनों की आंखों में अभी भी नींद भरी होती है। मॉनिटर पूछती है आखिर हुआ क्या था, उस मेडिसिन का असर क्यों नहीं हुआ, वो तो कल रात को घोड़े बेचकर सो रहा था। वेवे कहती है मुझे नहीं पता, थ्योरेटिकली कोई भी लड़का उसका इफेक्ट को रजिस्टर नहीं कर सकता है, इसे रजिस्टर करने के लिए उसे बॉल ब्रेक के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। वहीं पर मॉनिटर उसके बात को सुनकर कहती है क्या तुम श्योर हो, मेडिसिन में ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, चलो इसे दूसरे बंदे पर ट्राई करके देखते हैं। इसके लिए वो लोग मान जाते हैं और वो उसे टेस्ट करने के लिए किसी भी एक रैंडम बंदे को जाकर उसे खिलाने वाले होते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग बीच पर जाकर युवान को ढूंढ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि मुझे उसे ढूंढ कर पता करना पड़ेगा कि आखिर उसने लान से क्या बोला था। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों अपने शिकार के लिए क्लब में जाते हैं। मॉनिटर पूछती है कि आखिर हम लोग शिकार के लिए यहीं पर क्यों आए हैं। वे भी कहती है क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले ज़्यादातर लड़के डिफेंसलेस होते हैं और वो लोग युवान चैंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो बनेगा हमारा बकरा। मॉनिटर पूछती है आखिर कौन जाएगा। वे भी कहती है मैं जाती हूँ, ये बोलकर वो उसके पास चली जाती है और थोड़ा सा सीडक्टिव वॉइस में बात करते हुए उसे अपने जाल में फंसाते हुए चुपके से उसके ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला देती है और काम होने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। वो कहती है क्योंकि मुझे एक अपॉइंटमेंट है, अगर लक अच्छा हुआ तो हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। और वहाँ से निकलकर वो बोल रही होती है कि गॉड ब्लेस कि मैं उस इडियट से दोबारा ना मिलूं। और वो लोग क्लब के बगल वाले कैफ़े में बैठकर उसका इफ़ेक्ट होने का इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही 10 मिनट पूरा होता है वो असर करना शुरू कर देता है और वो क्लब से बाहर निकलकर अपना शिकार ढूंढने लगता है। और तभी रास्ते में उसे ये दिखती है, अपने बॉडी पर उसका कंट्रोल नहीं होता है इसलिए वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसका बटलर ही उसे पकड़ कर उसे पीट देता है और अपना मी लेडी से पूछता है कि आखिर इससे कैसे डील किया जाए। वो कहती है ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसे अपने साथ लेकर चलो और इसे चेक करो, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। और ये सब देखकर उन तीनों को उस बेचारे के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। वहीं पर ये फैंग को कॉल करके कहती है कि आज रात को मेरे होटल में आकर मुझसे मिलो, मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ काम है। इसलिए वो उसके होटल में जाता है और उसका लग्जीरियस होटल देखकर वो दंग रह जाता है। तभी वो अंदर जाता है जहां पर उसका बटलर उसका वेलकम करता है और उसे अपनी मी लेडी के पास लेकर जाने लगता है। वो उसे पिछली बार उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन वो साफ मना करते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो उसे उसके पास लेकर चला जाता है। ये को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहती है तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा टास्क है जो मैं चाहती हूँ कि तुम करो। आज शाम को एक फ्रीक ने मुझ पर अटैक किया था, वो फ्रीक थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लॉरेंस के साथ जाकर उससे सवाल जवाब करो। फैंग लॉरेंस के साथ जाते हुए पूछ रहा होता है कि आखिर हम उससे क्या पूछेंगे।
वो कहता है तुम सिर्फ देखना, बाकी का काम मैं खुद करूँगा। ये बोलकर वो उसे उस रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो लोग उसे रस्सी से बांध कर लटका कर रखे हुए होते हैं। ये देखकर फैंग उसे पहचान लेता है और गलती से उसके मुँह से उसका नाम निकल जाता है। वो पूछता है क्या तुम इसे जानते हो, वो कहता है उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ। तभी लॉरेंस उससे सवाल जवाब करने आगे बढ़ता है और वो उसे वैसे करते देख कर फैंग बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। और उसके 2 घंटे बाद वो लगभग उसका काम ही तमाम कर दिया होता है और फैंग से कहता है लगता है कि इसे सच में कुछ नहीं पता जो इसने अभी कुछ देर पहले किया था। फैंग कहता है आखिर तुमने उसे पूछा ही क्या, तुम तो सिर्फ उसे पीट रहे थे और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। लॉरेंस कहता है मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं इन सब मामले में प्रोफेशनल हूँ। फैंग कहता है ठीक है चलो अब तुम्हारी मी लेडी को रिपोर्ट करते हैं, और जाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे ये बटलर ही अब नॉर्मल लग रहा है। तभी वो लोग उसके पास जाते हैं, वो पूछती है क्या पता चला। लॉरेंस बताता है कि प्रीलिमिनरी जजमेंट से पता चला कि उसे किसी ने ड्रग किया था आप पर अटैक करने के लिए। वहीं पर फैंग थोड़ा सा हैरान होता है कि बिना कुछ पूछे उसे इतना कुछ कैसे पता चल गया। तभी वो कह देता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि फैंग उसे जानता है। फैंग कहता है हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, मैं तो कब से उसे ख़त्म करना चाहता था। वो पूछती है कैसा नफरत, वो मजाक करने लगता है इसलिए वो कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या। वो कहता है मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे मजाक कर सकूं। वो कहती है भूल जाओ, मैं कल राइस के साथ कोकोनट खाना चाहती हूं, इसलिए तुम्हें कल शाम तक मेरे लिए कोकोनट लाना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं ला पाओगे तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तभी वो कहता है मैं ये टास्क जरूर पूरा करूंगा। ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। उसे देखकर वो लॉरेंस से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है। वो कहता है शायद वो हमसे कुछ छुपा रहा है। वो कहती है उसके दुश्मन से पूछो, शायद उससे हमें फैंग का कुछ सीक्रेट के बारे में पता चल जाए। बाहर में फैंग जाते हुए सोच रहा होता है कि अब जब युवान उसके कब्जे में है तो अब वो मेरी बहन को परेशान नहीं करेगा, लेकिन मुझे फिर भी पता करना होगा कि आखिर वो लान से क्या बोला था। वहीं होटल में हानियू नेंगोंग को पीने के लिए पानी देती है। तभी वो उससे पूछती है कि तुम फैंग के बारे में क्या सोचती हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है मेरे हिसाब से वो जेंटल है। नेंगोंग सोचती है कि मेरे हिसाब से वो शायद सिर्फ थर्की जैसा एक्ट कर रहा है। और वो फिर से फ्यूचर देखती है, वो देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और कहती है शायद वो लोग फिर से कोई बेवकूफ़ी करने वाले हैं। इसलिए वो हानियू से कहती है कि मैं राइस विद कोकोनट बनाना चाहती हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे लिए कल कोकोनट लेकर आ सकती हो। वो उसके लिए मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं नेक्स्ट डोर में वो तीनों मीटिंग कर रहे होते हैं। मॉनिटर कहती है मेडिसिन बिल्कुल ठीक ही था, लेकिन फिर भी उस रात उसे कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं हुआ था। मोया कहती है शायद वो गे होगा। वेवे कहती है कि गे को भी रिएक्शन होता है, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। तभी मॉनिटर कहती है इसका मतलब शायद वो अपना सेक्सुअल फंक्शन खो चुका है। ये सुनकर वो लोग थोड़े से शर्मा जाते हैं और साथ में अग्री भी करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उन्हें और कोई रीजन नहीं मिल रहा होता है। तभी मॉनिटर कहती है चलो इसे कंफर्म करने के लिए कुछ करते हैं। इसलिए वो अपने रूम में जाती है और फैंग से कहती है कि कल हमारा फ्री डे है, इसलिए कल तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है कि बीच के सामने कुछ नारियल के पेड़ हैं, मैं वहीं पर कुछ लेने जाऊंगा। ये सुनकर वो वेवे को मैसेज करके बता देती है और वो उसे प्लान बनाने के लिए कहती है। वहीं पर वो दोनों अपना प्लान बनाने लगते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर फैंग सो रहा होता है और तभी कोई उसके कमरे में आता है और मॉनिटर के अंडरवियर के साथ कुछ करता है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि कितना अच्छा मौसम किया हुआ है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे दिन को भी मुझे उस डीमन के लिए कोकोनट लेना पड़ रहा है। ये बोलकर वो जाने लगता है और वो दोनों भी उसका पीछा करने लगती है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर हानियो भी होती है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मुझे कुछ कोकोनट चाहिए था। फैंग कहता है मुझे भी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले लेता हूँ। और जब वो कोकोनट तोड़कर नीचे उतरता है तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाती है और उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि हमें कुछ कोकोनट चाहिए था, वैसे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो दोनों फैंग का दोनों हाथ पकड़कर कहते हैं कि हम लोग बीच वॉलीबॉल खेलने वाले हैं, लेकिन प्लेयर की कमी हो रही है, इसलिए क्या तुम हमारे साथ खेलना पसंद करोगे। उन्हें वैसा करता देखकर हानियू शर्मा जाती है, इसलिए वो वहां से जाने लगती है, लेकिन वो गलती से फैंग से टकराकर उसी के ऊपर गिर जाती है और उन चारों को कुछ लड़कियाँ देख लेते हैं, इसलिए वो लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर हानियो उसे सॉरी बोलती है, वो कहता है कोई बात नहीं। तभी वहां पर सभी लड़के आकर फैंग की तारीफ करने लगते हैं, उसका बॉडी का, फिगर का, मसल का तारीफ करने लगते हैं, जिससे फैंग थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। और तभी प्लान को आगे बढ़ाते हुए मोया उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा फिगर कितना ज़्यादा औसम है, क्या मैं इसे छूकर देख सकती हूँ। ये बोलकर वो उसे छूने लगती है और उसे देखकर सभी लड़कियाँ भी बोलने लगती है कि मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसके नीचे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ये देखकर वो दोनों कन्फर्म हो जाते हैं कि क्यों ड्रग काम नहीं किया था। और तभी फैंग उनसे खुद को छुड़ा कर वहाँ से भाग जाता है और दूर आकर बोल रहा होता है कि कितना ज़्यादा ऑफुल था, अच्छा हुआ कि उस वक्त इसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और तभी उसे रियलाइज होता है कि आखिर इसने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया।
और तभी वो समझ जाता है कि शायद ये सब उसी लड़की के कारण हुआ है। ये याद आते ही वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं पर नेंगोंग को भी उसके हालात के बारे में पता चल जाता है और वो सोच रही होती है कि अभी तो उसका मुसीबत सिर्फ शुरू ही हुआ है। तभी वहाँ पर हानियो कोकोनट लेकर आ जाती है। उसे देखकर वो उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलकर अपना डिविनेशन प्रैक्टिस करने लगती है और कार्ड देखकर वो थोड़ी सी दुखी टाइप की हो जाती है। उसे देखकर वो पूछती है क्या हुआ। वो कहती है कि कुछ ही देर में फेंग होटल के गेट के पास आएगा, तुम्हें उसे यहाँ पर लेकर आना होगा। ये सुनकर वो शर्माते हुए बोलती है लेकिन मैं ही क्यों। नेंगोंग कहती है अगर तुम उसे यहाँ पर लाने में फेल हो जाती हो तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फेंग लगभग डिप्रेशन में चला गया होता है और सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी वो ये के होटल में पहुंच जाता है। उसे देखकर लॉरेंस कहता है मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। फेंग मरियल आवाज़ में कहता है कि मुझे कोकोनट मिल गया, इसे जाकर उसे दे देना, अब मैं जा रहा हूँ। उसका वैसा हालात देखकर वो उससे पूछता है क्या हुआ, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। वो कहता है थैंक्स बट मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लॉरेंस कोकोनट लेकर अपनी मी लेडी के पास जाता है। ये देखकर वो कहती है क्या सच में वो नारियल लेकर आ गया, अब उसे वहाँ पर रख दो। और पूछती है तुम्हें उस ठरकी के बारे में कुछ पता चला। वो कहता है अभी तक तो नहीं, उसे थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, वैसे भी शायद फेंग के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। ये सुनकर वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम उस पर फोकस करो, उसके बाद क्या करना है वापस स्कूल जाने के बाद सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ हानियो उसका इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है कि शायद बीच पर उसे एक्सीडेंटली चोट लग गया होगा। तभी उसे फेंग दिखता है जो कि मरियल हालात में आ रहा होता है और उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उससे कहती है क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है नेंगोंग तुम्हें बुला रही है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चला जाता है और पूछता है क्या हुआ। वो कहती है तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कौन हूँ, तुम अभी मुसीबत में हो और तुम्हें अभी हेल्प चाहिए। ये सुनकर वो उसके सामने हाथ जोड़कर उसकी हेल्प करने के लिए कहने लगता है। वो कहती है क्या तुम्हें सच में मुझसे एडवाइस चाहिए। वो कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरी हेल्प कर दो। वो कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कोकोनट राइस बनाओ। वो तुरंत उसके लिए बनाने लगता है। हानियो कहती है मुझे पता नहीं था कि उसे खाना बनाना भी आता है। नेंगोंग कहती है वो बिल्कुल एक मास्टर शेफ है। हानियो पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वो कहती है ऑफकोर्स मेरे डिविनेशन पावर से। तभी वो उनके लिए खाना बना देता है और सिर्फ उसे देख कर ही उनके मुँह में पानी आने लगता है और खाकर पूछते हैं तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा। वो कहता है कि ये एक लंबी कहानी है। ये बोलकर वो बताना शुरू करता है कि मेरी मम्मी को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए मेरे पापा खाना बनाने लगे थे लेकिन उन्हें भी खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए मुझे किचन को टेक ओवर करना पड़ा और तब से मैं ही खाना बना रहा हूँ और तब से खाना बनाना मेरा ड्यूटी बन गया है। इतना बताकर वो नेंगोंग को उसका हेल्प करने के लिए कहता है। वो कहती है कि आज रात को 12 बजे होटल के एंट्रेंस पर इंतजार करना, वहाँ पर एक बंदा आएगा और सिर्फ वही तुम्हारा हेल्प कर पाएगा। और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फेंग नोंगांग के कहने पर वहाँ पर चला गया होता है और उस बंदे का इंतजार करने लगता है और तभी वहाँ पर लॉरेंस आता है। उसे देखकर वो सोचता है इसे क्यों होना था, लेकिन फिर भी वो उससे बात करता है। लॉरेंस भी उसे देखकर कहता है क्या हुआ, अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए। फेंग कहता है एक महान डिवाइनर ने मुझसे कहा कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो उसे अपने साथ लग्जरी चेयर्स पर बैठाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे अपना पूरा सिचुएशन बता देता है। ये सुनकर उसे उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। लॉरेंस कहता है ये थोड़ा सा हार्ड है बट मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और पूछने लगता है, लेकिन वो कहता है शांत हो जाओ, मैं फ्री में तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहता है सिर्फ बोल कर तो देखो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मी लेडी को मुसीबत में डालो। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है एक बार फिर से कहना, तो लगता है कि मैंने ठीक से सुना नहीं। वो बहुत ही जेंटल स्माइल के साथ फिर से कह देता है। ये सुनकर वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर बच ही नहीं पाऊंगा। वो कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, मैं बैकग्राउंड में तुम्हारा हेल्प करूंगा। फेंग कहता है लेकिन फिर भी मैं ही क्यों, तुम तो उसे लगभग ख़त्म ही कर देते हो जो तुम्हारे मी लेडी को थोड़ा सा भी परेशान करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि फैमिली बैकग्राउंड के कारण सभी लोग ये का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सभी कहना भी मानते हैं, जिससे वो थोड़ा सा स्टबन बनते जा रही है और मुझे लगता है कि वो उसके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है और उसे लोगों से कहना मनवाने की आदत हो गई है, इसलिए वो उसे एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है जो उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। उसे वैसा रिएक्ट करते देखकर फेंग सोच रहा होता है कि दोनों मास्टर और सर्वेंट फ्रीक है और सोचता है कि ये सिर्फ मैं अपने बेबी के लिए कर रहा हूँ। ये सोचकर वो उससे पूछता है तो बताओ मुझे क्या करना है। वो बताता है कि लेडी ये कल अम्यूजमेंट पार्क जाएगी और तुम्हें उनके रास्ते में आना होगा। फेंग कहता है अम्यूजमेंट पार्क बट वो तो थोड़ा खतरनाक होगा, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बस मेरा प्रॉब्लम ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
वो अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गई होती है और तभी वहां पर फेंग भी आ जाता है और उसके रास्ते में आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहां पर मिलोगी। वो कहती है मैंने भी नहीं सोचा था। तभी वो कहता है अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ हैंग आउट कर सकते हैं, अकेले रहने से तो बेहतर ही होगा। वो कहती है क्या तुम श्योर हो। इसके बाद वो लोग जाने लगते हैं और वो सोच रहा होता है कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तभी वो कहती है ये सब कितना ज्यादा बोरिंग है। और तभी फेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रोलर कोस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो चलो वहाँ पर। वो लोग उस राइड पर चले जाते हैं जहाँ पर खुद फेंग की हवा टाइट हो रहा होता है और ये को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इसके बाद वो हॉन्टेड हाउस की तरफ इशारा करते हुए कहता है अभी तो शुरुआत ही है, तुम इतने में ही डर गई क्या। और वो उसे हॉन्टेड हाउस के अंदर लेकर चला जाता है और वहाँ पर भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और फेंग डर के मारे बेहोश हो गया होता है। और उसके बाद वो लोग दो चार झूले पर और जाते हैं और सभी पर ये को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और फेंग का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया होता है और अकेले में बैठकर सोच रहा होता है कि अगर ये सब और ज्यादा कंटिन्यू हुआ तो मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। तभी उसे रास्ते में आइसक्रीम वाला दिखता है, इसलिए वो जाकर 3 आइसक्रीम खरीद कर लाने लगता है और उसे आइसक्रीम लाता देख कर ये को एक फ्लैशबैक आने लगता है और तभी लॉरेंस जानबूझकर उसका पैर फंसा देता है जिससे आइसक्रीम ये के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर फेंग काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है और वो ये सोचकर डर रहा होता है कि ये पक्का मुझे जान से मार देगी। लेकिन तभी वो देखता है कि वो डैड बोलकर रोने लगती है और तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसके डैड उसी तरह आइसक्रीम लेकर आ रहे होते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि वो और उसकी मदर एक बेड के सामने खड़े होते हैं। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी लॉरेंस कहता है अब घर चलने का वक्त हो गया है और वो दोनों बिना फेंग को कुछ बोले वहां से चले जाते हैं और वो फेंग को एक पर्ची भी देता है जिसमें लिखा होता है रात को होटल लॉबी में मिलते हैं। और जब वो उससे मिलने जाता है तब लॉरेंस उसे वो वाला पिल दे देता है जो उसने प्रॉमिस किया था और वो उससे ये के बारे में पूछने लगता है। लॉरेंस कहता है कि वो आज बीमार लग रही है। तभी फेंग चिल्लाने लगता है कि तुम एक झूठे हो, आखिर तुम्हारा प्लान क्या था, मुझे पता है कि तुमने वो सब जानबूझकर किया था। वो कहता है ये सब मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, कभी कभी स्टिमुलेशन थेरेपी ज्यादा यूजफुल होता है। वो पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। लॉरेंस कहता है कि ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है बट अभी वो जो लाइफ जी रही है ना उससे बेटर लाइफ वो डिजर्व करती है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं पर ये सोते हुए किसी को सॉरी बोल रही होती है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। लॉरेंस उसके लिए चाय लेकर आता है और वो उससे पूछती है क्या उस बंदे के बारे में कुछ पता चला जिसने उस टर्की को ड्रग दिया था। वो कहता है अभी तक तो कुछ पता नहीं चला लेकिन मैंने किसी को उसके पीछे भेजा है। इसके बाद कल रात का सीन दिखाया जाता है। फेंग अपने रूम में जाते हुए लॉरेंस के बातों को ही सोच रहा होता है और अपनी बहन का भी जब वो उसे मर्डरर बोली थी। तभी वो खुद को शांत करके सोने जाने लगता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसका रूम का गेट खुला हुआ है और वो जाकर देखता है कि उन चारों के साथ प्रिंसिपल भी वहीं पर होती है। उन सबको देखकर फेंग समझ जाता है कि कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गया है। सोंग रोने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है जैसे ही मेरा बिजनेस ट्रिप खत्म हुआ था मैंने सोचा कि चलो मैं अपने स्टूडेंट से मिल लेती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा घटिया निकलोगे। फेंग भी अपना बचाव में कहने लगता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं तो पूरे दिन यहाँ पर था भी नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो लेडी ये मेरा विटनेस है। मोया बताती है कि मॉनिटर का अंडरवेयर चोरी हो गया है और सिर्फ तुम ही सस्पेक्ट हो इस रूम में। फेंग कहता है नाटक करना बंद करो। ये सुनकर मॉनिटर कहती है तो हमें प्रूव करोगे तुम इनोसेंट हो। वो कहता है ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं इनोसेंट हूँ, मेरे पास प्रूफ है। ये बोलकर वो अपना बैग खोलकर देखता है और वो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसी में होता है। उसे देखकर वो तुरंत बंद कर देता है और सोचता है कि जरूर ये मेरा कोई इल्यूजन होगा। ये सोचकर वो फिर से उसे देखता है और फिर से वो वहीं पर होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी वो तीनों मिलकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और तभी हानियू वहां से जा रही होती है। तभी वो फेंग के रूम के बाहर भीड़ लगी हुई देखती है। ये देखकर वो उनसे पूछती है कि क्या चल रहा है। वो लोग उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर वो सोचती है कि शायद वो मुसीबत में पड़ गया है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। और तभी वहां पर लॉरेंस भी आ जाता है। उसे देखकर फेंग कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। और तभी वो लोग उससे भी पूरा सिचुएशन बता देते हैं। सोंग कहती है शायद फेंग सच में ये सब नहीं किया है। वे भी कहती है बात तो सही है, इस टाइम में वो करना उसके लिए इम्पॉसिबल है लेकिन तुम एक जरूरी फैक्ट भूल रहे हो। वो पूछता है कैसा फैक्ट। वो कहती है कि ये रूम तुम्हारा है तो ये तुम कभी भी कर सकते हो। तभी सोंग को कुछ दिखता है और वो उसे उठाने वहां जाने लगती है। वहीं पर फेंग अपना सफाई दे रहा होता है कि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हूँ, अपना पूरा फैमिली का कपड़ा मैं ही धोता हूँ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया तो अब क्यों करूंगा। तभी उन दोनों को उसके बातों पर विश्वास हो जाता है। तभी मॉनिटर चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया। तभी प्रिंसिपल को एक रिंग मिलता है। उसे देखकर वो कहती है लड़ना बंद करो, फेंग इनोसेंट है, मुझे पता है कि चोर कौन है। वो लोग पूछने लगते हैं आखिर किसने ये किया। वो कहती है उस स्टूडेंट का रेपुटेशन बचाए रखने के लिए मैं इसे प्राइवेट में हैंडल करूंगी। और वो फेंग को अपने साथ चलने के लिए कहती है और बाहर आकर वो पूछता है क्या हुआ।
वो बताती है कि ये मेरी बेटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट ने किया है। फेंग सोचने लगता है दोनों देखने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। सोंग उसे वो वाले इयररिंग दिखाते हुए कहती है, ये मुझे तुम्हारे बैग के पास से मिला है, ये उसका एक बर्थडे गिफ्ट है। तभी फेंग कहता है, अगर वो लड़कों से इतना ही ज़्यादा नफरत करती है तो उसे उनसे दूर ही रहना चाहिए ना। वो उसे कहती है, ये एक लंबी कहानी है। ये बोलकर वो उसे बताना शुरू करती है कि उसके फादर कभी कभी घर आया करते थे और टाइम के साथ साथ टेरिबल चीज़ें होती चली गई। जब लिंगिया छोटी थी तब उसे खतरे से दूर रखने के लिए वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो गलत समझ ली थी। वो ये समझ ली थी कि उसके फादर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से लैक करते हैं, इसलिए वो हमें छोड़कर चले गए और कभी भी वापस नहीं आएंगे। टाइम बीता और वो एक एम्बिशियस लड़की में बदल गई और उसने उसके ग्रे हेयर जो कि उसे उसके फादर से मिला था उसने उसे भी कलर करवा लिया था और वो स्टूडेंट यूनियन के पोस्ट हासिल कर ली। और एक दिन गलती से उसे रिकॉर्ड बुक मिल गया था और उसे पता चल गया कि क्यों चोंगनान हाई एक गर्ल्स स्कूल में बदल दिया गया। और उसके बाद से वो लड़कों से और ज्यादा नफरत करने लगी और पिछली बार जितना बैड बॉय रिक्रूट किया गया था उसके कारण इसका एटीट्यूड और ज्यादा खराब हो गया है। और तभी वो फैंग से हेल्प मांगने लगती है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन फैंग अपना हाथ तुरंत हटा लेता है और सोचने लगता है कि मैं पहले ही बहुत ही मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मैं अब और मुसीबत मोल नहीं ले सकता हूँ। तभी वो कहती है, ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वो कहता है, मुझे आपका विश्वास नहीं चाहिए। और तभी दिखाते हैं कि ब्लैक हेयर उनकी सभी बातें सुन ली होती है और जाकर लिंगिया को सब कुछ बता देती है। वो जानकर वो कहती है, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मेरी मॉम ने मेरा पूरा प्लान तो चौपट कर ही दिया और उसके साथ में उसने उतना कुछ बता दिया, अगली बार मुझे एक और स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना पड़ेगा। यही सब वो बोल रही होती है। तभी ब्लैक हेयर उसे कपड़े पहनने के लिए बोलती है और यहीं पर इस एपिसोड चैप्टर की शुरुआत उनके रूम से होती है, जहाँ पर नोंगांग उनसे बोल रही होती है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही बोला था कि इस साल कुछ भी मत करना, इतना देर के बाद पता तो चल ही गया होगा कि वो इनोसेंट है, अब तुम लोगों को उसे बुली करना बंद कर देना चाहिए। वो लोग भी उसकी बातें मान जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल और फेंग आ जाते हैं। उसका उतरा हुआ शक्ल देख कर वो कहती है, क्या हुआ? वो कहता है, मुझे बहुत ही डांट पड़ी है। प्रिंसिपल कहती है, अब से तुम लोग अपना अपना रूम स्विच करोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर मॉनिटर हानियों से पूछ रही होती है कि तुम और फेंग काफ़ी ज़्यादा क्लोज लगते हो, तो तुम बता सकती हो कि वो कैसा लड़का है? वो कहती है, वो थोड़ा सा स्पेशल है, काफी सारे लोगों ने उसे गलत समझ लिया है, लेकिन वो रियल जेंटलमैन है विद ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी एंड स्ट्रॉन्ग माइंड और हमेशा दूसरों की मदद करता है। इतना बोलकर वो शर्मा जाती है और बोलने लगती है, ये मैं क्या बोल रही हूँ। वहीं दूसरे रूम में नोंगांग और फेंग होते हैं और वो पड़े पड़े सोच रहा होता है, बहुत ही सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया है, हैंडल नहीं हो रहा है। तभी वो नोंगांग से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पर रिलाई कर सकता हूँ? वो बिल्कुल प्राउड के साथ कहती है, ऑफ कोर्स, मेरा डिविनेशन स्किल बहुत ही रिलायबल है और मेरा अभी का डिविनेशन बता रहा है कि तुम्हारा लाइफ खतरे में है। ये सुनकर वो कहता है, ऐसा न्यूज सुनने के बाद भी मुझे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और तभी वो उससे कहने लगता है कि मैजिशियन नोंगांग, प्लीज मेरी मदद करो। तभी वो डोरेमोन बनकर एक छोटा सा बैग निकालकर उसे देती है और कहती है कि सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही इसे खोलना। उसे लेकर वो नाचने लगता है और खुश होकर बोल रहा होता है कि मैं बच गया। वहीं पर वो उसके लिए प्रे कर रही होती है और बोल रही होती है कि फेंग जितना सोच रहा है सिचुएशन उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसके अगले दिन फेंग उठता है और वो बिल जो उसे लॉरेंस दिया होता है उसे देखकर वो सोच रहा होता है, क्या ये काम करेगा? अगर ये काम कर जाता है तो पूरा एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। जो भी हो, नोंगांग कभी भी गलत नहीं हो सकती है। ये बोलकर वो उसे खा लेता है और वहीं पर गिर जाता है और कुछ देर के बाद उठ जाता है और उसके बॉडी में एक तरह का एनर्जी का फ्लो होने लगता है और वो बहुत खुश हो जाता है और नाचते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसे इतना खुश देखकर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि शायद वो किसी बीमारी से ठीक हो गया है। और तभी वो कुछ खरीद कर जाने लगता है और वहीं दूसरी तरफ वो तीनों स्विम सूट खरीद रहे होते हैं और फेंग मॉनिटर को गलती से देख लेता है। उसे देखकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो उसका मुंह पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से उसे डराने लगती है। तभी फेंग जो कुछ भी कल हुआ होता है उसके लिए माफ़ी मांगने लगता है। वो कहती है, उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें कल पूरे दिन बहुत ही अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। वो कहता है, ठीक है, मैं करूँगा। और तभी वो उसे जाने देती है और वो सोच रहा होता है कल कोई ग्रुप इवेंट भी तो नहीं है। तभी वो अपना बिल निकालता है जिसमें एक कागज चिपकाया होता है, उसे हटाता है तो उसे पता चलता है कि कल मिस चोंगनान ब्यूटी पेजेंट है। ये देखकर वो सोचने लगता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी उस बिल के कारण मेरी एनर्जी वापस आ गया है, अब मज़ा आएगा। और तभी वहाँ पर लॉरेंस आ जाता है, उसे देखकर फेंग नाचने लगता है और उसका पैर पकड़कर बोलने लगता है, मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ, तुम्हारी वजह से मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। वो कहता है, मी लेडी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजी है। वो कहता है, सिर्फ बोलकर तो देखो। लॉरेंस कहता है, तुम्हें कल होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और सबको हराना भी पड़ेगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उससे कहता है, जरूर, वो मजाक कर रही होगी। वो कहता है, वो हमेशा सीरियस रहती है। फेंग कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है। लॉरेंस कहता है, इसका मतलब तुम उसे निराश करना चाहते हो। तभी वो कहता है, मैं फालतू का गेम उसके साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। लॉरेंस उसे डराते हुए कहता है, तुम्हारे पास उसे मना करने का हिम्मत है? मैं इसी तरीके का बंदे का तलाश कर रहा था। और आगे कहता है कि वैसे भी तुमने जो सुबह में पिल लिया था
उसे पूरा करने के लिए तुम्हें एक स्टेबिलाइजर 72 घंटे के अंदर में लेना होगा। अगर तुम नहीं लेते हो तो तुम्हें भी पता है कि क्या हो सकता है। ये सुनकर वो डर जाता है। लॉरेंस आगे कहता है, और वो स्टेबिलाइजर ही विनिंग प्राइज है। ये सुनकर फैंक कहता है, नाटक बंद करो। तभी वो कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, असली प्राइज का कीमत $1,000,000 है। या फिर विनर को एक अधिकार मिल जाता है जिससे वो स्कूल के रेगुलेशन में एक नया आर्टिकल ऐड कर सके, जब तक वो किसी भी लॉ को ब्रेक ना करे। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं रियलिटी को चेंज करके एक नॉर्मल स्कूल लाइफ में जा सकता हूँ। वो उसके लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। वो कहता है, ये अभी तक का मेरा सबसे डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी मैं इसे संभाल लूंगा। और फैंग वहाँ पर चिल्ला ही रहा होता है कि तब तक वो उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। वहीं पर बाहर में VIP लड़कियाँ तैयार होकर आगे होते हैं और उन्हें देखकर कुछ लड़के बोल रहे होते हैं कि काश मैं इनका क्लासमेट होता। और तभी वहाँ से एक पर्पल हेयर कलर की लड़की जाती है, उसे देखकर वो लोग पूरे पागल ही हो जाते हैं। वहीं VIP स्टैंड पर वो लोग पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर ये लॉरेंस से पूछ रही होती है क्या सब कुछ रेडी है। वहीं पर लॉकर रूम में वो लोग चेंज कर रहे होते हैं तो वहीं पर मॉनिटर अकेले में होती है और सिर्फ यही रट लगाए होती है कि मुझे किसी भी तरीके से ये जीतना ही होगा ताकि मैं एक नया रूल स्कूल में फिर से जोड़ सकूं, जिसके हिसाब से फिर से लड़कों का एडमिशन बंद। इसके बाद वो लोग ड्रेस चेंज करके वहां से चले जाते हैं, जहां पर अनाउंसर फेंग की दोस्ती होती है और वो सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम कर रही होती है, जिसमें 10 नंबर पर तोंग फिलू, 11 पर वेवे तोंग, 12 पर मोया, 54 पर हानियो, 61 पर लान और 74 पर नेंगोंग होती है। वहीं पर बाहर में कुछ गुंडे टाइप के लोग लान के फोटो को देखकर बोल रहे होते हैं, ये काफी ज्यादा गॉर्जियस है, लेकिन चलो काम का वक्त हो गया है। वहीं पर वो आखिरी पार्टिसिपेंट का वेलकम करती है। उस लड़की को देखकर वो लोग हैरानी से पूछ रहे होते हैं, क्या ये लड़की भी हमारे स्कूल में ही पढ़ती है। वहीं पर बाहर में वो गुंडे सिक्योरिटी को पीट कर जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं और तभी उनमें से 2 बंदे जाकर लान को पकड़ लेते हैं और उसे अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। वो उससे बोल रहा होता है कि तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तभी वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वो बंदा भी लान को एक थप्पड़ मार देता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और तभी लड़की के भेष में फैंग वहां पर आकर उनका पिटाई करना शुरू कर देता है और प्रॉब्लम होने के कारण वो अपना ड्रेस और विग निकालकर फेंक देता है और एक एक करके उन सभी लोगों को पीट पीट कर ढेर कर देता है और अपनी बहन को वहां से लेकर चला जाता है। ये सब देखकर ये लॉरेंस को बुला रही होती है, लेकिन वो देखती है कि वो वहां से गायब होता है और इस इंसिडेंट के कारण ब्यूटी पेजेंट भी कैंसिल हो गया होता है। वहीं पर स्टूडेंट हेल्थ सर्विस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उससे कह रहा होता है कि चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, वो बस बेहोश हुई है। तभी वहां पर लॉरेंस आ जाता है, उसे देखकर फैंक कहता है, यहां से चले जाओ, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। तभी वो कहता है, क्या होगा अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इन सब के पीछे मैं ही था। ये सुनकर वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो बाहर चलो, सब कुछ वहीं पर सेटल करते हैं, मैं उसे जगाना नहीं चाहता हूं। और जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, लॉरेंस उससे कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी फेंग उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट करके उसे उठाकर फेंक देता है, लेकिन वो भी खुद को अच्छे से संभाल लेता है और उससे कहता है, कोई आखिरी ख्वाहिश? वो अपना ग्लव्स निकालते हुए कहता है, लगता है कि तुम सुनने के हालात में नहीं लग रहे हो। और तभी वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं और फेंग उससे पूछ रहा होता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है, तुम्हारी इन लड़कियों के कारण मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और वो अपना बात पूरा किया भी नहीं होता कि तभी वो कहता है कि तुम जो चाहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर लान की बात करें तो मैं किसी को भी उसे चोट पहुँचाने नहीं दे सकता हूँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी वो उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। तभी लॉरेंस रुक जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था। फैंक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या बोल रहा है। वहीं पर वो आगे कहता है, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम वही बंदे हो जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। और उसे मेडिसिन देते हुए कहता है, तुमने पेशेंट अटेंड करके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उससे अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या बोल रहा है। तभी वो उससे कहता है, देखो क्या तुम्हें ये पसंद है? सोचो इस पूरे 2 महीने में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारा काइंडनेस और टॉलरेंस एटीट्यूड काफी अच्छा है, लेकिन गर्ल्स स्कूल ने तुम्हारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिट तुमसे छीन लिया है, और वो है करेज और एम्बिशियस। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है कि अपना मुंह बंद करो, लेकिन फिर भी वो बोलते ही रहता है कि टॉलरेंस और फोरबियरेंस जेंटलमैन बनने का पार्ट है, लेकिन तुम उनके चक्कर में डरपोक बन गए हो। मैंने तुम्हारी बहन का यूज तुम्हें ये रियलाइज करवाने के लिए किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे, इसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन तभी वो उसका कॉलर पकड़कर चिल्ला रहा होता है, क्या तुम ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो उसके फेस पर एक पंच मार देता है और तभी वहां पर ये आ जाती है, लेकिन वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती है और छुपकर उनका बात सुनने लगती है। वहीं पर फैंग उस पर चिल्ला रहा होता है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या था, मेरा मजाक उड़ाना या फिर ये भी तुम्हारी लेडी का कोई ऑर्डर था? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, ये पूरा मेरा ही डिसीजन था। मैं हमेशा उसके साथ उसके भाई की तरह रहा हूँ और मैंने उस ट्रेजेडी को भी विटनेस किया है जिसने उसे पूरी तरीके से बदल दिया।
और मैं ऐसी पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं उसका हेल्प कर सकूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर ये थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उसे वैसा कुछ बोले। वहीं पर फैंग उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम हमेशा मेरे साथ मेसअप करते रहते हो और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके तुम्हारी हेल्प करूंगा। लॉरेंस उससे बोल रहा होता है कि ये मेरे लिए नहीं है बल्कि ये तो मेरी लेडी के लिए है, और वो ये बात पूरा करता है कि तभी वहां पर ये आकर कहती है, बस बहुत हुआ, ऐसा लगता है कि तुम मेरे पीछे कुछ चाल चलने लगे हो। लॉरेंस हमेशा की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, अपना नाटक बंद करो और मेरे काम में भी अपना नाक घुसाना बंद कर दो, और फैंग तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये बोलकर वो लॉरेंस को लेकर वहाँ से चली जाती है।